मैं आज खुद का ही पोर्टफोलियो रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो है HDFC सिक्योरिटीज़ में। मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी रशिया यूक्रेन वॉर जो क्राइसिस आए थे, मार्केट गिरा था, तब मैंने उसके बाद ही मतलब इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया था। तो मतलब 6 महीने करीब हुए हो गए। तो मैंने टोटल्स मतलब पहले प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है मैंने 13,800 रुपये कुछ, और मैंने टोटल लगाए हुए पैसे है 4,40,049,000, और उस पर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 26,000 का। मतलब परसेंट में गिने तो 6% के करीब मुझे प्रॉफिट हो रहा है अभी। चलिए तो देखते हैं कौन से स्टॉक है जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो स्क्रीन पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, पहला स्टॉक है मेरा HUL। HUL में मुझे 28% का रिटर्न मिल रहा है, और उसमें 11,000 का हमें प्रॉफिट चल रहा है। ये पतंजलि है, पतंजलि फूड। पहले उसका नाम रुचि सोया हुआ करता था, वो बाद में पतंजलि हो गया। एक्चुअली ये क्या है, तो FNO निकला था तो मैंने अप्लाई कर दिया था। मैं ज़्यादातर IPO में इन्वेस्टिंग करता हूँ, मतलब मुझे जो लगता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो रखता हूँ, नहीं तो फिर तुरंत लिस्टिंग के दिन पे ही निकाल देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ये रुचि सोया का था तो मैंने ले रखा था इसका IPO, वो तो 100% के ऊपर रिटर्न दे रहा था। अभी थोड़ा मार्केट गिर रहा है तो 80% दे रहा है। ये IPO में जितनी क्वांटिटी है 21 उतनी ही है मेरी, मतलब उस पर 10,000 के ऊपर प्रॉफिट मुझे दे रहा है। ये अभी अभी लिस्टिंग हुआ था भिकाजी फूड्स का, इसमें भी मैंने अप्लाई किया था, लकीली ये भी मुझे IPO अलॉट हो गया था, तो इसमें भी मुझे प्रॉफिट चल रहा है। अभी तो 44% के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। और ये डेटा पैटर्न्स, ये एक्चुअली मैंने IPO में नहीं लगा था, ये मैंने उसके बाद लिया हुआ है। मैं नए नए स्टॉक में इन्वेस्ट करता रहा, जो जो मतलब फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रॉ फंडामेंटली स्ट्रांग हो। ये डेटा पैटर्न्स मुझे अच्छा रिटर्न दे रहा है, 100% के ऊपर रिटर्न दे रहा है ओनली 10 क्वांटिटी पे, क्योंकि अभी डिफेंस में थोड़ा बूम है इसके लिए, इसलिए अच्छा चल रहा है। आगे मैं क्वांटिटी इसमें ऐड करने की सोच रहा हूँ, आगे जाके ऐड करूँगी थोड़ा गिरने के बाद। और एक और IPO आ चुका है, रेमबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड। ये भी मेरा IPO अलॉट हुआ था और वही मेरे पास पड़ा हुआ है, 36% के ऊपर रिटर्न दे रहा है। उसके बाद है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, ये भी मेरा IPO लगा था और ये भी मुझे 34% रिटर्न दे रहा है। IPO में मेरा लक अच्छा है, इसलिए मुझे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। IPO में इन्वेस्ट करने का यही फ़ायदा है, आपको मतलब लॉस कम होता है, लॉस इसमें आप लिस्टिंग के भी दिन निकलने का चांस भी रहता है। ये काइनेस का भी अभी लगा है, ये भी नया न्यू लिस्टेड IPO है, ये भी मुझे अलॉट हुआ था, इस ये भी 30% के करीब रिटर्न दे रहा है। उसके बाद आ जाते हैं सिरमा SGS, ये भी IPO अलॉट हुआ था मुझे, वो 24% दे रहा है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, इसका भी IPO अलॉटेड हुआ था, 24 रिटर्न दे रहा है। ये टेगा इंडस्ट्रीज, ये मैंने बाद में IPO के बाद में लिया था तो ये मुझे 35 रिटर्न दे रहा है। ये IT कंपनी है, KPIT टेक्नोलॉजी, इसमें मैंने इन्वेस्टिंग किया था तो 23% का रिटर्न इसमें भी मिल रहा है। ये FMCG में से मैंने उठाया था ब्रिटानिया, वो मुझे 37, दो स्टॉक उठाए थे उसमें मुझे 37 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी है अडानी विलमार, अडानी विलमार में हमें 65% का रिटर्न हो रहा है। HDFC लाइफ में 17% का, दीप इंडस्ट्री 62%, पीडीलाइट वहाँ के हमारे पास है 8 स्टॉक है, जो दाम में लिया था वही दाम पे चल रहा है अभी। फिर टार्सन प्रोडक्ट्स है, बजाज फाइनेंस मैंने ऐड किया हुआ था कम दाम पे, अभी वापस ऐड करना है उसे, जैसे वो मेरे प्राइस के करीब पहुँचेगा 550,
तो हम दो तीन क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे इसको। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ये आईटी का जो रहता है ना, निफ्टी आईटी, वैसा वो ईटीएफ रहता है, तो वही उसी में मैंने लिया हुआ था क्वांटिटी स्टार्टिंग में। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो वही पड़ा हुआ है, कम क्वांटिटी है। एस्ट्रल की सिर्फ दो क्वांटिटी है और मुझे ऐड करनी है। 2000 के नीचे जाएगा तो और ऐड कर लेंगे अपने। जुबिलेंट फूड है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। टाइटन है, टाइटन भी मैंने थोड़ा अपर प्राइस में ले लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो 2000 के नज़दीक जाएगा तो हम एवरेज अप कर लेंगे। बाकी आईटी स्टॉक है या एचसीएल टेक्स है। जैसे आईटी के मैंने एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में मिस्टेक कर दिया था, ज़्यादा कंपनियां भर ली थी, तो मुझे कुछ निकालनी है तो मैं आगे जाके निकाल लूँगा। कुछ इन्फोसिस है, कोफोर्ज है, एमटा टेक्नोलॉजीज है, ये आईपीओ लगा था मेरा, इसमें ही खाली मेरा माइनर सा लॉस चल रहा है, बाकी सारे आईपीओ में मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं। तमिलनाडु बैंक, इसमें मुझे खाली माइनर सा लॉस दे रहे हैं। फिर रिलैक्सो फुटवेयर है, टीसीएस है, डीमार्ट है। डीमार्ट मैंने अपर प्राइस पे लिया था, इसके लिए मुझे लॉस दिखा रहा है, लेकिन ये भी इसको मैं एवरेजिंग कर लूँगा तो ये कम रहेगा। लेकिन इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टिंग हो चुका है तो मैं बाद में ही सोचूंगा इसके लिए। और ये आईएक्स है, देखो कितना कम पैसा लगाया था इसलिए अच्छा हुआ। ये देखो कितना परसेंट पे रहा हुआ। ये एलटीआई माइंड्री है जो मर्जर हुआ था अभी जस्ट, इसमें हमें लॉस हो रहा है। एक ही क्वांटिटी है, जब ज़्यादा गिरेगा तो एवरेज कर लेंगे। ये भी एक मिस्टेक थी, उमा एक्सपोर्ट का आई वो ले लिया था स्टॉक, थोड़ा 32% वो चल रहा है। ये मदरसन सुमी है, इसमें भी हमें लॉस हो रहा है। एलटीटीएस है, सोना बीएलडब्ल्यू है, बजाज फिनसर्स है, थोड़ा अपर प्राइस से हुआ था इसका भी बाइंग तो इसके लिए लॉस दिखा रहा है। लेकिन वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हो तो प्रॉफिट देगा, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। ये टेक महिंद्रा, देखिए आईटी कंपनी मैंने कितनी भर रखी है, वो मेरी मिस्टेक है एक्चुअली, वो मैं बाद में सॉल्व कर लूँगा। आगे जाके मैं आधे निकाल लूँगा, सिर्फ एलटीआई रखूँगा और टीसीएस रखूँगा। ये आईआरसीटीसी है, सुप्रिया लाइफ साइंस, 46% का लॉस है मुझे। मुथूट फाइनेंस है, 20% का लॉस। आरती इंडस्ट्री में एवरेज करते करते मैं इतना, अभी केमिकल स्टॉक गिर रहे हैं इसके लिए मुझे इसमें लॉस हो रहे हैं। और ये जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो मेरी फर्स्ट मिस्टेक, जो आईएसएफ लिमिट और विप्रो, तो पता नहीं क्यों इतना गिर रहा है, ऊपर आ ही नहीं रहा है। तो यही है मेरा पूरा पोर्टफोलियो, ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, ये देख लीजिए आप, 6% के करीब मुझे प्रॉफिट हो रहा है जी। आगे मैं और मतलब लूँगा इसको लॉन्ग टर्म के, लिखूँगा कुछ स्टॉक मुझे निकालने हैं आईटी के, और कुछ जो मुझे लॉस दे रहे हैं वो भी थोड़ा प्रॉफिट में आ जाएगा तो मैं निकाल दूँगा। थैंक यू।